हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल 4203। तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ गाइज आप लोग ठीक होंगे और गाइज आगे भी ठीक रहना। तो भाई लोग हमारे गेम में 9 जून मतलब नेक्स्ट मंथ में अभी मई चल रहा है। आज मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तब मई है, तो 9 जून को हमारे गेम में एक ओबी अपडेट आने वाला है जिसका नाम है OB28 अपडेट। उस अपडेट में बहुत सारा चेंज होने वाला है, तो उस सारे चेंज के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, डिटेल में अगर हम लोग बात करते हैं तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो जो जो भी अपडेट है फुल नॉलेज मैं तुम लोगों को दे दूंगा और ओवरव्यू में बताने वाला हूँ, जिससे तुम लोगों को सारा अपडेट एक शॉर्ट तरीके से पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो भाई लोग पहला चेंज जो है वो सेटिंग में चेंज है, जो कि आप लोगों को सेटिंग का मतलब जो आसपास का नजरिया होता है मतलब एनिमेशन जो होता है वो चेंज देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। ये देखो, तो ये देखो सेटिंग का कुछ ऐसा लुक हो जाएगा, सेंसिटिविटी अब तुम लोग को ऐसा देखने के लिए मिलेगा। बताना तुम लोग को ये एनिमेशन कैसा लगा, ऐसे देखने में कैसा लग रहा है, पहले से बेहतर है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और जो दूसरा चेंज हुआ है वो भी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। एक चेंज देखो सेटिंग में ही चेंज हुआ है, वो देख लो। तो वो चेंज किया गया है यहाँ पे, देख लो कंट्रोल्स में ये क्या चेंज है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे रन मोड का ऑप्शन है जिसको आप लोग दो तरीके से सेट कर सकते हो, एक क्लासिक एक ड्रैग, ठीक है। क्लासिक में सेट करते हो तो जो आपका पहले की तरह रहेगा वैसा ही रहेगा, लेकिन आप लोग अगर ड्रैग में सेट करते हो ना तो क्या होगा पता है? आपका जो स्प्रिंट का बटन जो होता है जिससे आप लोग भागते हो, जिस बटन पे आप लोग क्लिक करके भागते हो ना, उस बटन से भागते हो तो वो बटन आप लोग का गायब हो जाएगा। तो आप लोग सोचोगे कि फिर सिर्फ हम मूविंग बटन या फिर जॉयस्टिक से ही काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप लोग का स्प्रिंट कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। जो आप लोग का जॉयस्टिक जो मूविंग बटन है ना उसको आप लोगों को ड्रैग करना होगा, जो कि पबजी में जैसा सिस्टम है वैसा ही हो जाएगा। जो लोग पबजी खेलते हैं उन लोगों को पता रहेगा कि जैसे पबजी में हम लोग जो जॉयस्टिक को है उसको ड्रैग करते हैं तो हम लोग का ऑटोमेटिक स्प्रिंट हो जाता है। तो अगर आप लोग ड्रैग पे सेटिंग रखते हो तो आप लोग का ड्रैग करोगे तो आप लोग का स्प्रिंट हो जाएगा, अगर आप लोग क्लासिक पे ही छोड़ देते हो। तो भाई लोग अगला अपडेट है हम लोग का जो जैसा है वैसा ही रहेगा, और स्प्रिंट का बटन शो करेगा गेम में और एक जगह का बटन, मतलब आप लोग लोअर लगाते हो पाओगे, ठीक है। अगर आप लोग को नेक्स्ट अपडेट नेट भी करना है तो नीचे एक बटन रहता है उस पर आप लोग क्लिक करते हो तो सारा चीज नेट वेट का ऑप्शन आ जाता है, तो नेट पे क्लिक करके तब नेट करना पड़ता है। तो इसमें कितना झंझट है आप लोग समझ ही सकते हो। तो अब फ्री फायर वालों ने एक सेटिंग में ऑप्शन लिया है जिसका मतलब अलग अलग कर दिया दोनों को, नेट अलग ग्लू अलग, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो ये देखो पहले हम लोग को जैसे यहाँ पे ग्लू वॉल अलग है और नेड अलग है, पहले हम लोग को ऐसा नहीं देखने को मिलता था, पहले हम लोग को मर्ज देखने को मिलता था, दोनों एक दूसरे में मर्ज रहता था। लेकिन अब आप लोगों को जो दिक्कत होता था कि जैसे बंदा सामने आ गया तो ग्लू लगा के नेड करना है तो फिर उसी पे क्लिक करो फिर नेड पकड़ो तो झंझट था, तो आप लोग अब ग्लू लगाओ और नेड दूसरी तरफ से करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये अपडेट कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर लगाना। ये अपडेट मुझे इंडिविजुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपडेट क्या आया है? तो भाई लोग नेक्स्ट अपडेट जो है उसमें एक आया है नया पेट और एक नया कैरेक्टर, जो कि हर ओबी अपडेट में आता है, ठीक है। हर ओबी अपडेट में आता है एक नया पेट और एक नया कैरेक्टर, वो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को स्क्रीन पे। पहले पेट देख लो, पेट कौन सा आया है। तो ये हम लोग का नया पेट और जो हम लोग का नया कैरेक्टर, इस पेट का पहले मैं एबिलिटी बता देता हूँ। इस पेट का एबिलिटी तुम लोग को देखने को मिलेगा जब तुम लोग क्राउच रहते हो, क्राउच पोजीशन में रहते हो, मतलब तुम बैठे हुए रहते हो, बैठने का पोजीशन होता है ना जैसे प्रोन होता है वैसे ही क्राउच का ऑप्शन होता है। तो वैसे अगर तुम लोग बैठते हो तो तुम लोग का मूविंग स्पीड क्राउच पोजीशन में ही हो जाएगा 35% या कुछ इंक्रीज हो जाएगा, जो कि बहुत तेज इंक्रीज होता है। गेम में आएगा तो आप लोग देख लेना कैसा होता है, ठीक है। अब एक और कैरेक्टर, अब कैरेक्टर जो नया है वो मैं तुम लोग को स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो देखो ये कैरेक्टर हम लोग के गेम में आएगा, ठीक है। और इसका एबिलिटी तुम लोग देख सकते हो, खुद पढ़ के खुद समझ लो, मेरे को इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया तो तुम लोग खुद समझ सकते हो, ठीक है। खुद समझ लेना कैसा लगा ये एबिलिटी और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में अगर अच्छा समझ में आया। मेरे को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया तो मैं सही से अगर नहीं समझा पाऊंगा तो वीडियो में गलत क्यों दिखाऊं, ठीक है। समझ जाना यही कैरेक्टर आया और वो पेट आया, उस पेट की एबिलिटी मैंने समझ लिया था तो मैंने तुम लोग को बता दिया, ठीक है। और नेक्स्ट जो अपडेट आया वो है हम लोग का वेंडिंग मशीन में चेंज आया, ठीक है। वेंडिंग मशीन में क्या चेंज आया वो देख लो। कुछ नोटिस किया तुम लोगों ने? अगर नहीं किया तो मैं बताता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ तो हाँ गाइस, अब तुम लोगों को जो गन खरीदते थे तो तुम लोगों को एमो की प्रॉब्लम होती थी कि मतलब गन खरीद लिया लेकिन उसका एमो नहीं रहता था, मतलब उसका गोली नहीं रहता था। अब तुम लोगों को AR एमो, स्नाइपर एमो और SMG एमो भी वेंडिंग मशीन में मिल जाएगा, जो कि तुम लोग टोकन से खरीद सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा भाई पर्सनली। यार कभी कभी होता था क्या, M82 भी मुझे पसंद था, ठीक है। मैं M82 भी खरीद लेता था लेकिन स्नाइपर एमो ही नहीं मिल पाता, तो बहुत गुस्सा भरता था। तो अब तुम लोग एमो भी खरीद सकते हो। तो भाई लोग ये अपडेट कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की तरफ, वो भी वेंडिंग मशीन से रिलेटेड है। ये देखो, तो यहाँ पे तुम लोग क्या नोटिस कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम लोग को नहीं पता चल रहा होगा कि क्या है यहाँ, लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ पे तुम लोग को बैग नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब तुम लोग वेंडिंग मशीन में बैग नहीं खरीद सकते। मुझे तो बहुत बुरा लगा क्योंकि भाई मेरे पास बैग नहीं रहता तो मैं यहीं से वेंडिंग मशीन से नहीं खरीदता था, तो अब बैग नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे, ये छोटा सा है क्या। अब एमओ तो मिलेगा ना, पॉजिटिव पॉइंट है तो एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है। तो अब बैग तुम लोग को वेंडिंग मशीन में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई लोग वो है कि वुकोंग का कैरेक्टर स्किल चेंज दिया गया है। हाँ भाई लोग, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं किया गया इतना। देख लो यहाँ पे क्या चेंजेस किए गए हैं, देखो
ये देखो यही चेंज है कि अब वापस कूल डाउन टाइम जो है इसका वापस से 200 सेकंड कर दिया गया है, लेकिन वो सिस्टम रहेगा ही कि किसी एक बंदे को तुम लोग नॉक करते हो तो तुम लोग का बूस्ट रिटर्न हो जाता है, वापस मिल जाता है, वो सिस्टम रहेगा ही, सिर्फ कूल डाउन टाइम बढ़ाएगा। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये अपडेट भी कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में। उतना बढ़िया अपडेट तो नहीं है, वो कॉन्के स्किल को फिर वापस वैसे ही कर दिया गया, लेकिन बूस्ट जो एक बंदे को नॉक करके बूस्ट वापस मिल जाता था वो है ही, तो वो सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो कि तुम लोग को देखने को मिलेगा कस्टम रूम में। कस्टम रूम में तो नहीं, लेकिन जैसे पिट रंबल नया आया है वैसे ही कस्टम रूम पहले से ही था। एक दिखा देता हूँ, ये देखो जहाँ से तुम लोग रूम खोजते हो कस्टम बनाते हो वहाँ पिट रंबल भी रहता है, तो एक नया ऑप्शन जुड़ जाएगा क्राफ्ट लैंड। ये क्या है मेरे को नहीं पता है, ये आएगा तो तुम लोग देख लेना, मेरे को अभी नहीं पता है। ठीक है, तो ये आया है, मैंने अपडेट था तो तुम लोगों को बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, कौन सा गन नया आया है वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, तो भाई लोग एक तो तुम लोग को ये गन देखने को मिल जाएगा, इस गन का नाम है किंग फिशर गन। ठीक है, इसका रेट ऑफ फायर बहुत बढ़िया है, तुम लोग आएगा तो चला के देखना, बहुत अच्छा है। और ये एआर गन है, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही कि एआर गन है, नाम है इसका किंग फिशर। ठीक है, और एक और गन आया है उसका नाम है यूजी, जो कि पबजी का गन है, उसी को लाया गया है, तुम लोग अपने स्क्रीन पर देखो। ये गन तुम लोग को देखने को मिल जाएगा अपने थर्ड वेपन में, जो कि होता है थर्ड वेपन में, जैसे ट्रीटमेंट गन हुआ, GI8 हुआ, USP हुआ, वहाँ पर तुम लोग को देखने को मिल जाएगा ये गन। तो यही सब कुछ ऐसे अपडेट्स है जो मैंने तुम लोग को अभी तक बता दिया है। ठीक है, तो अब तो मुझे इससे ज़्यादा कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है, इतना ही अपडेट था जो कि मैंने तुमको बता दिया। अब इससे ज़्यादा मेरे को अपडेट नहीं देखने को मिलता है, अगर इससे ज़्यादा अपडेट मिलने को देखता है तो मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू तुम लोगों को बता दूंगा और क्या अपडेट है, इससे ज़्यादा अपडेट मेरे को नहीं देखने को मिला। तो इस पूरे मतलब जितना भी अपडेट है मैंने शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो करके तुम लोगों को इस वीडियो में बता दिया। तो वीडियो अगर तुम लोग को भाई लोग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तुम लोग लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस कर देना। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। लाइक करना मत भूलना, लास्ट बार बोल रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है गाइस, इस बार फाइनली बाय बाय।